आज हम आपके लिए लेके आए हैं सूजी का यह चटपटा नाश्ता, जो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा है। आप देखिए कितना सॉफ्ट और कितना अच्छा है, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से फ्लफी। बिल्कुल चटनी के साथ आप सर्व करिएगा, चाय के साथ बहुत ही टेस्ट अच्छा है। तो इसमें है साउथ इंडियन का तड़का। तो नमस्कार दोस्तों, हमारे कुकिंग पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने कुछ इंग्रेडिएंट्स ले रखे हैं सूजी के नाश्ते के लिए, जिसमें हमने एक कटोरी सूजी ले रखी है और नारियल क्रश करके ले रखा है, कच्चा नारियल है उसको हमने क्रश कर लिया है। एक चम्मच अदरक को क्रश करके हमने ले रखा है और दो हरी मिर्चें हैं, आधा चम्मच चिली फ्लेक है, धनिया के पत्ते हैं और आधा चम्मच नमक है। हमें इतनी इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे हमने रखा है फ्राई पैन। अब इसमें हम डालेंगे सूजी। सूजी को हमको बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, हल्का सा हमें इसका मॉइस्चर निकालना है। तो हमने इसको थोड़ी देर के लिए चला दिया, बिल्कुल गर्म हो गया। अब इसको हटा देंगे, हम दूसरी कढ़ाई डाल रखेंगे। कढ़ाई में हम डालेंगे ऑयल, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ऑयल यूज कर सकते हैं। तो हमने इसमें डाल दिया है रिफाइंड ऑयल। अब हम डालेंगे इसमें आधे चम्मच जीरा, इसमें जाएगा हरी मिर्च, अब ये अदरक, ये भी इसमें डाल के थोड़ी देर चला लेंगे, हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। अब इसमें जहाँ डालेंगे हम ये नारियल, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। अब इसमें हम डाल रहे हैं चिली फ्लेक। अब इसमें हम डालेंगे दो कटोरी पानी। दो कटोरी यानी कि एक कटोरी हमने सूजी लिया था, तो हम दो कटोरी पानी डालेंगे। इसमें हम डालेंगे नमक और बारीक धनिया कटा हुआ। अब इसको हम एक उबाल आने तक देखेंगे। अब एक उबाल आ गया है, अब इसमें हम डालेंगे सूजी। कि आप खाएंगे तो ज़रूर एक बार हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके हमको बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अब इसमें हम डाल देंगे सूजी, और सूजी को डाल करके हमें फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देनी है, नहीं तो इसमें लम्स बनने लगेंगे। अब इसे हम चला देंगे और अच्छे से हम कंटिन्यू इसको चलाते रहेंगे। बिल्कुल इसमें गुठली नहीं बननी चाहिए, वरना बॉल बनाते हुए हमें बहुत परेशानी होगी। तो अभी हम धीमे आंच पर के ही इसको पका लेंगे अच्छे से, बिल्कुल जैसे आटा गूंथते हैं ना, उस तरह से हमें इसको तैयार करना है। अभी आप देख रहे हैं ये बिल्कुल सूख चुका है अच्छे से। अब इसे हम ढक देंगे। अभी हमें इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफर करना है। तो हमने दूसरे बर्तन में इसको ट्रांसफर कर लिया है। अभी थोड़ा गर्म है, थोड़ा हल्का सा ठंडा होगा, उसके बाद फिर हाथों की सहायता से हम इसको इकट्ठा कर लेंगे और इसको दबा दबा करके इसको अच्छे से मसल लेंगे। अभी हम थोड़ा सा घी लगा करके इसको बना लेंगे। अभी बिल्कुल बॉल बनाने के लिए तैयार हो गया है। तभी हल्का सा गर्म है, वो ठंडा नहीं होने देंगे, हल्का गुनगुना रहेगा तभी हो जाएगा सही। बिल्कुल हाथों को ये सहने लायक होगा तभी हम बॉल बनाएंगे। अब हमने ये देख रहे हैं आप कितना अच्छा से बॉल तैयार हो गया, बिल्कुल चिकना। तो इसके सूजी को अच्छे से पकने देंगे और हम अच्छे से इसको मसल करके तैयार करेंगे, तभी बॉल अच्छे से बन पाएगा। इस तरह से हम सभी बॉल बना लेंगे। अब इन बॉल देख रहे हैं आप कितने अच्छे से तैयार हुए, बिल्कुल एकदम लड्डू, नमकीन लड्डू की तरह। अब हमने पानी रख दिया है भगोने में, पानी गर्म हो रहा है। अब हम ऊपर से फिर छन्नी रख के और इसको ग्रीस करेंगे। तो हमने घी लगा दिया, अब इसमें सारे बॉल्स डाल देंगे। अब हमें इसमें स्टीम करना है, बिल्कुल 5 से 7 मिनट हम इसको स्टीम करेंगे। अब हमारा ये स्टीम हो चुका है बॉल, हमें अलग रख करके इसको निकाल लेंगे और थोड़ा ठंडा करेंगे, हमें गरम गरम नहीं फ्राई करना है।
अब इसमें हम डालेंगे एक कटोरी घी, आप चाहें तो रिफाइंड से भी इसको फ्राई कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 4-5 कड़ी के पत्ते, ये जाएगा इसमें हींग आधा चम्मच, अभी हमने इसमें राई डाली थी, इसमें थोड़ा नमक डालेंगे। अब इसमें बॉल्स डाल करके इसको अच्छे से भून लेंगे क्रिस्पी होने तक। अब सभी बॉल हमने इसमें डाल दिए, अब इसको हम इस तरह से हिला करके और अच्छे से पका लेंगे जिससे अच्छा सा ऊपर से क्रिस्पी हो जाए, तब ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। ऊपर से हम नारियल के ये क्रश किए हुए डाल देंगे। अब इसे हम थोड़ा सा चला लेंगे, ऊपर से नीचे ऐसे कर देंगे तो फिर अच्छे से क्रिस्प हो जाएगा। आप इसे बच्चों को भी खिलाइएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल बच्चे देखेंगे खुश हो जाएंगे लड्डू के आकार का। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा, और जो चैनल पर नए आए हैं पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप देख सकते हैं कितना अच्छा, बिल्कुल सॉफ्ट ऊपर से क्रिस्पी अंदर से बिल्कुल फ्लफी है, मुंह में घुल जाने वाला ये नमकीन लड्डू कितना अच्छा है। तो हमारी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।